नमस्कार, प्रणाम। आप सभी सहारा इंडिया निवेशकों एवं जमाकर्ताओं व कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारे जितने भी सहारा के जमाकर्ता हैं, आप सभी के लिए एक खास संदेश लेकर के आया हुआ हूँ। जैसा कि हमारी वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, दोस्तों, लोकसभा का चुनाव नज़दीक आने वाला है। लगातार सभी लोगों के पास, यानी आम जनता के पास, भाजपा कार्यालय से फ़ोन आने लगे हैं, मैसेजेस आने लगे हैं। लगातार कई फ़ोन आए लोगों के पास। जो भी हमारे सहारा पीड़ित हैं, वो लोग तो इस सरकार को वोट नहीं देंगे, लगातार उनसे परेशान हैं। तो उन्होंने किस प्रकार से अपनी समस्याओं को उनके सामने व्यक्त किया है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को दिखाई जाएगी। बहुत ही मज़ेदार वीडियो रहने वाला है, तो इसलिए आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एकदम वीडियो को स्किप नहीं करना है। सहारा बंधु, हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को अभी ही लाइक कर दें। हम आपका कीमती समय न वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं और यहीं से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नमस्कार सर। हाँ सर, नमस्कार। सर, मैं भाजपा प्रदेश कार्यालय से ज्योति मिर्जा बात कर रही हूँ। क्या नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी से मेरी बात होती है? जी, बात हो रही है मैडम। जी जी भाई साहब, आप सभी के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से देश सेवा में लगी हुई है। 2047 तक मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में आपकी अहम भूमिका होगी। इसी दिशा में आपसे अनुरोध है कि आप अपना और अपने आसपास के 10 परिवार की जिम्मेदारी लें और चुनाव वाले मेरी बात सुन लीजिए। मैडम, मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए, आजादी के से लेकर के अभी तक का जितना भी सरकार बना है ना, सबसे भ्रष्ट सरकार मोदी जी का है, नोट कर लीजिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर कोई पैसा का चोरी किया है तो मोदी सरकार किया है। सहारा इंडिया का 13 करोड़ जमाकर्ता आज तिल तिल के मर रहा है, उसका परिवार मर रहा है, और ये लोग उसका भुगतान नहीं करा पाया। सरकार उसका लाइसेंस दिया और सहारा के द्वारा चंदा खाया, और चंदा का पैसा जो 5,000 करोड़ रुपया भी रिलीज हुआ वो भी खा गया, और 25,000 करोड़ रुपया भी खाने वाला है। 5,000 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर लिए सहारा से भुगतान नहीं मिलने के कारण। तो मोदी जी का चेहरा का आरती उतारे क्या? तो मतलब आप उनका समर्थन नहीं करते ना? पूरा विरोध करते हैं, विरोध सड़क पर करेंगे, समझे ना, सोशल मीडिया पर करेंगे, हर जगह विरोध करेंगे। आप 10 आदमी को बोले उनका प्रचार करने के लिए ना, हम लोग 1,000 आदमी को उनके विरोध में भड़काएंगे, क्योंकि 13 करोड़ और उनका परिवार, 65 करोड़ लोग को सूली पर चढ़ा दिए सुब्रत राय को और उसका परिवार को बचाने के लिए, अनिल अंबानी और अडानी को बचाने के लिए, तो उनका हम लोग साथ देंगे इतना भरा सरकार को, ठीक है। यही दीजिएगा, आपके विचारों को मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, इसे मैं आगे पार्टी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। आप बोले कि सहारा का भुगतान नहीं हुआ है, बहुत ही लोग को लिख पढ़ के हम लोग दिए, बहुत धरना प्रदर्शन आंदोलन हम लोग सब कुछ किए, लेकिन हम लोग का भुगतान नहीं मिला। तो सहारा का जो पीड़ित जमा करता है देश भर के 13 करोड़ और उसका परिवार को मिला दीजिएगा तो 65 करोड़। ये 65 करोड़ लोग में हम लोग मूवमेंट चला रहे हैं कि मोदी सरकार को वोट नहीं दिया जाए, इनको उखाड़ करके सीधे हिंद महासागर में उखाड़ कर फेंक दिया जाए, समझे ना। ये दोनों गुजराती चोर जो आपका है ना, मोदी और अमित शाह, ये दोनों को इस बार बोरिया बिस्तर हम लोग समेटवा देंगे। बोल दीजिएगा नागेंद्र कुशवाहा बोला। आपके विचारों को ये रिकॉर्ड किया गया है, इसे मैं आगे पार्टी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और इस परेशानी के लिए मैं आपसे कहां तक पहुंचाइए वो आपका जिम्मा है, ठीक है। और कुछ बोलना है? ये जानकारी के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ठीक है, मेरी बात श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव जी से हो रही है? हो रही है साहब। परिवार को किसान सम्मान निधि के तहत बैंक में राशि प्राप्त हो रही है? भाजपा कार्यालय से कौन बोल रहे हैं, एक बार दोबारा परिचय दें आप। सर, मैं कार्यालय से प्रदीप दांगी बात कर रहा हूँ। प्रदीप दांगी जी, बोलो, का कह रहे भाजपा का पूछ रहे भाजपा का? सर, आपको किसान सम्मान निधि के तहत योजना का लाभ मिल रहा है? हमको नहीं मिल रहा किसान सम्मान निधि का लाभ।
अडानी अम्बानी को लाभ मिल रहा है ना, अडानी अम्बानी को लाभ मिल रहा है, हमको तो नहीं मिल रहा है। गुजरात के व्यापारियों को लाभ मिल रहा है, किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा, किसानों पे की फसलों का दाम नहीं मिल रहा, किसानों को फसलों का मुआवजा नहीं मिल रहा। 400 की टंकी 1200 में मिल रही है, पिछड़ा वर्ग की जाति की जनगणना नहीं हो रही, मध्य प्रदेश में 55 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहा है, उनका योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। जी सर बिल्कुल, आपकी राय लेने के लिए कॉल किया गया। राय लेने के लिए दांगी जी, आप पिछला वर्ग के ही हो गए, आप सामान्य में आते हो सर, पिछला वर्ग में तो पिछला वर्ग में 54% आबादी को मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण दिया जा रहा। हम लोग ओबीसी महासभा की तरफ से भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका पिछला वर्ग के लिए क्या दे रही भाजपा सरकार, कितने टिकट दिए हैं मध्य प्रदेश में पिछला वर्ग के लोगों को आपकी भाजपा सरकार ने, कितने मंत्री बनाए हैं, कितने विधायक बनाए हैं, कितना बजट दे रहा है, कर्जा माफ हो गया किसानों का, काय को लगे हो जबरदस्ती धर्म की चाशनी चटा रहा है भैया। दांगी जी परेशान मत हो, है और ये देश में आरक्षण खत्म किया जा रहा है, 24 के बाद देश में चुनाव बंद हो जाएंगे, तानाशाही चल रही है, गिराई सरकार गिरा रहा है बनी बनाई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई पहले तुमने, अभी बिहार की सरकार गिरा रही, महाराष्ट्र की सरकार गिरा रही, दिल्ली के केजरीवाल को जेल में ठूस दिया, कितनी तानाशाही करोगी भाजपा? नहीं गांव में नहीं घुस पाएंगे नेताओं में, नेताओं जूतों की माला डालेंगे गांव में। और आप फोन मत लगाना दांगी जी मेरे नंबर पे, और किसी को मत लगाना, अगर तुम खानदानी आदमी हो तो घर बैठो, अपने बच्चों को भवस बर्बाद मत करो, खुद को भवस तो कर ही रहे बर्बाद। ये गुजरात के 4 व्यापारी देश को लूट रहा है, अडानी अम्बानी देश को बेच रहा है, मोदी अमित शाह देश को खरीद रहा है, और योजनाओं का लाभ दे रहे हो, है 400 की टंकी 1200 में दे रहे। मेरी राई 2021 में 8000 रुपये कुंटल बिकी थी, आज मंडी में मेरी 4200 रुपये राई बिकी है, हैं चार गुनी दुगुनी राय आप कह रहे थे ना रेट हो रही किसानों की, काय खिलाने लगे भैया? उद्योगपतियों की सरकार चल रही है जी, दांगी जी समझ में आ गई कुछ कि नहीं आई? जी सर आपका गुस्सा जाए, गुस्सा नहीं है क्या ही देखो मोदी से ना तुम्हारे जब मोहन प्यारे से जनता मूर्ख बना वो बंद कर रहे हैं, आप समझ गए कि नहीं? जनता में भारी आक्रोश है, तुम ईवीएम से खेला कर रहे हो, अगर मोदी जी ने अपने अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी इतनी मर्द है तो आप ईवीएम से चुनाव बंद करा के बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, आपको पता चल जाएगा। दांगी जी आप जबरदस्ती 10000 रुपये महीना में बैठ गए कंप्यूटर पे, हेलो जी 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 हम फीडबैक ले रहे हैं, काय को अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो, पिछले वर्ग के दलित आदिवासियों को गुलाम बना रहे हैं मध्य प्रदेश के, मणिपुर में इतनी महिलाओं के साथ अन्याय, वहाँ जब मोदी नहीं पहुँचे तुम्हारे, हैं महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, थानों में पीटा जा रहा है। दांगी जी अब मत लगाइयो फोन आपसे, ठीक है? कच्ची बात समझ में आई? जी सर। हाँ ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल समझ में आई सर। तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार से भाजपा कार्यालय से फोन आ रहे हैं आप लोगों के पास। अगर आपके पास भी फोन आ रहा है तो आप भी जिस प्रकार से आपको समस्याएं हुई हैं, आपका भुगतान नहीं मिल पा रहा है, साफ सीधी अपनी समस्याएं उनके सामने व्यक्त कीजिएगा, कहिएगा पहले भुगतान फिर मतदान, अन्यथा हम भुगतान नहीं करेंगे। काफ़ी दिनों से हमारे परेशान निवेशक बंधु, उनका भुगतान नहीं मिल पा रहा है, लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और अब फोन आने लगे हैं। जब सरकार हमारी नहीं सुन रही है तो हम भी किसी के सुनने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखें, और दोस्तों जो है अगर फ़ोन आपके पास आता है, मैसेज आता है, तो आप भी इसमें कहिएगा पहले भुगतान फिर मतदान, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। खैर हम यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करना चाहेंगे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।